देखो गाइस पूरा बर्फ ही बर्फ है और रास्ते के ऊपर देखो एक बार रास्ता देखो, रास्ता पूरा बर्फ से ढक गया है, पूरा बर्फ से ढक गया है। क्या सीन है भाई ये। अब गाइस मैं जा रहा हूँ ये तो अच्छा हुआ, ये बहुत ही अच्छा हुआ। ओ मारा पे स्लिप हो गया, पड़े गए अच्छे की दादा, पड़े गए अच्छे। अरे कौन बोला हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचुंग। इतना खुश हूँ ऊपर वाले ने हम लोगों का सुन लिया। आज देखो धूप है लाचुंग में, इतना बारिश हुआ मैं तो टेंशन में आ गया था, क्योंकि मंगल में ऑलरेडी हम लोग का एक दिन गया और आज भी अगर ख़त्म हो जाता दिन तो भाई पूरा बर्बाद हो जाता शेड्यूल। और हम लोग का एक, क्योंकि एक टाइम रहता है उसके अंदर ही सब कुछ करना पड़ता है। तो आज बहुत खुश हूँ, सब लोग बहुत खुश है। एक या डेढ़ घंटे में हम लोग का शूट चालू हो जाएगा पास में ही, और इधर उधर साइड सीन वगैरह जो भी है प्रॉपर। देखिए मेरे बाइक पे ये बर्फ़ है, ठीक है, ये बर्फ़ है, मतलब कल इतना बर्फ़ गिरा। ये देखिए ये पूरा बर्फ़ है। हाथ गहरे भाई, ये देखो पहाड़ पे भी बर्फ है, ऊपर में बर्फ जमा हुआ है। सो गाइस बाइक को थोड़ा कोल्ड स्टार्ट किया है, क्योंकि पूरी रात बर्फ के अंदर था, बर्फ से कवर हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ा कोल्ड स्टार्ट किया। एकदम एक ही बार में स्टार्ट ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बाइक में। तो आज होगा हम लोगों का असली शूट, हालांकि थोड़ा शूट हो चुका है, लेकिन आज होगा असली शूट हम दोनों का। तो आप लोग देखते रहो, एंजॉय करो। आई होप लास्ट वाला जो दो पार्ट में अपलोड किया वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया है और ये भी पसंद आया है। सो देखते रहो। शूट पे जाने से पहले हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो रहा है अब। सो ब्रेकफास्ट में भाई ने खा लिया है ब्रेड ऑमलेट, और मैडम तू यहाँ के देखा ही नहीं लोगों को। और मैं खाऊंगा एज यूजुअल मैगी, तो अभी नहीं आया है हम दोनों का खाना, आ रहा है। आ गया है हम लोग का मैगी। चलो खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने शूट के लिए, और सब लोग मॉर्निंग रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। और ब्राइड को कैसा लग रहा है वो मैं अभी तो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, वेट करो थोड़ा, थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, ठीक है।
कैसा लग रहा है? बहुत ठंड, बहुत ठंड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। लोग जम चुके हैं, लिटरली जम चुके हैं। मेरा तो अभी बात करने लायक मतलब वो एनर्जी तक बचा हुआ नहीं है मेरे पास, बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। और पता नहीं कितना टाइम लगेगा शूट होने में। यहाँ से हम और एक जगह पे जाएंगे, वहाँ पे बर्फ़ गिरा हुआ है, जैसे देखते बर्फ़ गिरा हुआ है वहाँ पर, पता नहीं क्या होगा। और ड्रेस भी ऐसे ही पहने हुए हम लोग, शूट है तो पहना ही पड़ेगा। तो वैसे मैडम का बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत थैंक यू। वैसे फर्स्ट टाइम कॉम्प्लीमेंट दे रहा है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं देता लेकिन आज देना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। चलो वैसे अब हम लोग और एक दूसरी लोकेशन पे जाएंगे और धीरा धीरा जो अभी भी शूट में बिजी है। रिम भैया इधर आओ। हाँ, तीन दिन से भैया हम लोग के साथ है, हम लोग को घुमा रहे हैं। मैं तो फिलहाल बाइक में आया हूँ लेकिन बाकी सब भीम भैया के कार पे है। तो भीम भैया इधर एक्चुअली कार चलाते हैं सिक्किम का, सिक्किम में। मेरे जान पहचान में अगर कोई भी आप लोग से कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे कांटेक्ट करना चाहिए तो आपका नंबर बोल देंगे 8759773772। अच्छा, एक बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भैया का नंबर दे दूँगा, आप लोग कॉल कर लेना। और भैया बहुत 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 अच्छा है, आपको अच्छी तरह से घुमाएगा। भैया को इस साइड में बहुत नॉलेज है, आपको अच्छा रूम दे देगा, अच्छा होम स्टे देगा, वो भी बजट में। तो भैया से ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, बहुत अच्छा है भैया। तो अगर मेरे जान पहचान में मेरे फैमिली में कोई भी आपको कॉल करे मेरा नाम बोल के, मेरा नाम भाई के ध्रुव है चैनल का नाम, कोई भी अगर कॉल करे तो हम लोग को थोड़ा गाइड कर, ठीक है? चलो भैया को मैं बोल दिया, अगर कोई भी आप लोग भैया को कॉल करो मेरा नाम बोल देना, भैया समझ जाएगा, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। बहुत ठंड तो बहुत लग रहा है, पता नहीं आज क्या करेंगे रात को, शायद लेकिन जो आउटपुट निकल रहा है वो भाई देखने लायक है। तुम्हें लगाई थी थक अरे 10,000 फीट है शूट, नॉट ए मैटर ऑफ जोक, ठीक है? भैया कैसा लग रहा है? बढ़िया है, बढ़िया है ना? थोड़ा ठंडा लग रहा है। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, मतलब बीच बीच में इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है कि शूट बंद करना पड़ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर ठंड बहुत है, स्पेशली स्त्री को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है किसके, क्योंकि उसका ड्रेसअप भी ऐसा है कि ठंड उसको लगेगा ही। मेरा भी, मुझे भी ठंड लग रहा है। और ये है हम लोगों का टेम्पररी शेल्टर जो बहुत काम का है, बहुत काम का है टेम्पररी शेल्टर। सो सब लोग ऐसे इस जगह पे हम लोग रुके हुए हैं, सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। और ज़्यादा फोटो अच्छा है, लोग आउटपुट ना हम लोगों का बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत मतलब क्या बोले, मेहनत सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। अगर ऊपर वाला अगर हम लोगों के ऊपर हाथ दे, सर के ऊपर हाथ दे तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन टीम मेंबर का एफर्ट ये डिस्क्राइब करने लायक नहीं है। टीम मेंबर्स आर एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग। अगर ये साथ नहीं होते पांडा और पूजा तो नीलाद्रीदा भी शायद काम नहीं कर पा रहे होते, हम भी शायद काम नहीं कर पा रहे होते। और ऊपर से हम लोगों का भैया ड्राइवर भैया ये भी मतलब इतना हेल्पफुल है, इतना हेल्प किए हम लोगों को कि बताने लायक। ओवरऑल ऐसा है, बारिश थम गया है शायद, नहीं 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 बारिश थोड़ा रुका है, थम गया है। चलो चलो, बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन, बारिश थोड़ा सा रुका है और हम लोग फिर से शूट करेंगे। ऐसे ऐसे ही शूट हो रहा है लेकिन अब क्या करें, इतना दूर आया है तो शूट तो करेंगे ही, शूट करना है हम लोगों को, तो मज़ा करो सब। और ये
ये पेशेंट नहीं असल पेशेंट জ্যাকেট দিস নাই টু রেস ঠিক আছে तो गाइज शूट करते करते मुझे मिल गया है एक ऐसा चीज़ जो मेरे लाइफ में पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए स्नोफॉल हो रहा है गाइज, स्नोफॉल हो रहा है गाइज, स्नोफॉल इन लाचुंग। ऑसम फीलिंग्स पहनने के, जैकेट के ऊपर देखो, देख लो गाइज, स्नोफॉल हो रहा है गाइज, स्नोफॉल। अरे माथाटा ढाको, काम को ढाको, ओ अच्छा, खाला हमें स्नोफॉल, स्नोफॉल हो रहा है गाइस।